Hello everyone. In previous lecture, we had learned the diversity in India. ठीक है? और how do we explain diversity? ये भी मैंने आपको थोड़ा बहुत explain कर दिया था. इसी को recall करते हैं. Just क्या था कि how do we explain हम diversity को किस तरीके से explain करेंगे? ठीक है? A little more than ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था कि long year ago जो लोग थे वो इफ़ दे वॉन्ट टू ट्रैवल वन प्लेस टू अनदर देर आर नो ट्रेन एरोप्लेन बस कार. ठीक है वो उनकी और इफ़ दे वॉन्ट टू ट्रैवल तो दे हैव टू ट्रैवल ऑन फूट या उनको पैदल चलना पड़ता था बाई शिप के जरिए जाना पड़ता था और हॉर्स या का यूज करते थे या कैमल का यूज करते थे अगर उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता था. Often they went in search of new land or new places to settle in or for people to trade with. क्यों जाते थे? या तो वो लैंड की नई नई लैंड की खोज के लिए जाते थे, नए नए प्लेसेस की खोज के लिए जाते थे और उन्हीं जगह जा करके वो सेटल हो करके मतलब रहने लग जाते थे. या तो लोग जाते थे टू ट्रेड विथ. ट्रेड मतलब क्या होता है? व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करने जाते थे. एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रेवल क्योंकि उनको एक जगह से दूसरे जगह जाने में कई साल लग जाते थे. तो वंस दे गॉट टू अ प्लेस पीपल स्टेड देयर. अगर वो एक जगह चाह पहुँच गए उनको कई साल लग जाते थे. अगर एक जगह पहुँच गए तो वो लोग उसी जगह में मतलब रुक जाते थे, सेटल हो जाते थे. मैनी अदर लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज देयर वर फेमाइन. दूसरे और भी रीजन से कि लोगों ने अपने घरों को क्यों छोड़ा, बाय द मूव, तो ये फेमाइन की वजह से या ड्रॉट की वजह से, सूखा और अकाल जो पड़ जाता है उसकी वजह से, जो नेचुरल हमारे डिजास्टर हैं उनकी वजह से भी लोग मूव कर जाते थे. एंड दे कुड नॉट गेट इनफ ई टू ईट. सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क वाइल अदर लेफ्ट बिकॉज देयर वॉज अ वॉर. और कुछ लोगों ने अपने सम पीपल मूव बिकॉज ऑफ द वर्क. अगर उनको काम की खोज के लिए जाना है, काम के लिए जाना है और कुछ लोग इसलिए जगह को छोड़ देते थे क्योंकि वहाँ उस जगह पर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी. क्लियर? यहाँ से है कि समटाइम एज दे बिगिन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस. और कभी कभी क्या होता था, बिगिन मतलब स्टार्ट करना, मेक देयर होम्स मतलब अपने घर बनाना. अगर वो नई जगह में रह रहे हैं, चले गए हैं, वहाँ पर जब उन्होंने अपना घर बनाना शुरू कर दिया तो पीपल बिगिन टू चेंज अ लिटिल. तो लोगों को थोड़ा बहुत अपने आप में बदलाव लाना पड़ता था. एंड अदर टाइम दे मैनेज टू डू थिंग्स इन द ओल्ड वे. और दूसरी तरफ उनको थोड़ा बहुत चेंज भी लाना पड़ता था और दूसरी तरफ उनको अपना जो पुराना तरीका था उसको मैनेज करके भी चलना पड़ता था. इसीलिए सो देयर लैंग्वेज, फूड, म्यूजिक, रिलीजियन बिकेम अ मिक्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू. एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर कम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट. इसीलिए जो उनकी लैंग्वेज थी, फूड था, म्यूजिक था, रिलीजियन था, वो क्या हो जाता था, नए और पुराने का एक मिक्सचर हो जाता था. क्लियर? फिर द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शो अस हाउ मैनी डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंस हैव हेल्प टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर. मीन्स द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस मतलब कई जगह, जो जगह एरियाज होती हैं, जगह हैं उनकी हिस्ट्री हमें किस बात के लिए हेल्प करती हैं कि हाउ मैनी डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंस हैव हेल्प्ड टू शेप द लाइफ एंड कल्चर देयर. कि वहाँ के रहने वाले लोगों की लाइफ और उनका जो कल्चर है उसको वहाँ की हिस्ट्री ने कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है. इन्फ्लुएंस करना मतलब प्रभावित करना, हिस्ट्री मतलब इतिहास. क्लियर? और दस रीजन्स बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज. इसीलिए जो रीजन्स, रीजन्स का मतलब क्या होता है, क्षेत्र, एरिया, वो होती है, वो काफ़ी डाइवर्स होते हैं क्योंकि हर एक का अपना अपना अलग अलग यूनिक हिस्ट्रीज होती है. यूनिक मतलब अद्भुत, सबकी अपना अपना एक अलग इतिहास होता है. सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट वैन पीपल अडेप्ट their lives to the geographical area in which they live. इसी तरीके से जो डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी वहाँ पे भी नज़र आती है जब जो लोग होते हैं अपने जियोग्राफिकल मतलब अपना जो भौगोलिक एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को अडाप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो जीने लगते हैं. ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट
फ्रॉम लिविंग इन अ माउंटेन एरिया, अगर समुद्र के किनारे कोई शहर है बसा हुआ है या कोई स्टेट बसा हुआ है, तो उस वहाँ पे रहने वाले लोगों की जो लिविंग होती है, जो लाइफ होती है, वो माउंटेन एरिया में रहने वाले लोगों की लाइफ से बिल्कुल आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। नॉट ओनली टू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट, ठीक है, जो अलग अलग एरिया में रहने वाले लोग होते हैं, एक समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं, एक माउंटेन रीजन में रहने वाले लोग हैं, अगर हम उनको कंपेयर करते हैं तो उनकी जो क्लोथिंग होती है, कपड़े पहनने का तरीका होता है, जो खाने के तरीके होते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगे। बट इवन द काइंड ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट, बल्कि जिस तरीके का जो एक्टिविटी वो करते हैं, जो काम वो करते हैं, जिन कामों में वो बिजी रहते हैं, वो काम में भी हमको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। इन सिटीज़ इट इज़ ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल लिव्स पीपल्स लाइफ आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग। अगर शहरों की हम बात करते हैं, सिटीज़ में रहने वाले लोग अगर हैं, तो उनको इस बात का पता नहीं होता कि जो जो अपने जो पीपल्स लाइफ आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग, की जो लोगों की जो लाइफ होती है अपने फिजिकल सराउंडिंग से किस तरीके से बंधी हुई होती है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स, बहुत कम ना के बराबर जो लोग हैं अपनी वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं या ग्रेन्स अनाज ग्रो करते हैं, जो भी चीज़ वो यूज करते हैं उसको वो खुद ग्रो नहीं करते। इंस्टेड मतलब के बजाय दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाय ऑल द फूड, इसके बजाय वो मार्केट पर डिपेंड रहते हैं, जो भी हमें अपना खाना खरीदना हो उसके लिए वो मार्केट पर डिपेंड रहते हैं। एंड अदर गुड्स दे नीड, चाहे जिस भी उनको सामान की, जो भी सामान की उनको रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए वो मार्केट पे डिपेंड रहते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन, ठीक है, इन सब का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। व्हेन वी से दैट द हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस, ये हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि जो हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर होते हैं वो किस तरीके से हमें हमारी जो डाइवर्सिटी होती है एक रीज़न की, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। किसी भी रीज़न की, किसी भी क्षेत्र की विविधता को ये जियोग्राफिकल फैक्टर और हिस्टोरिकल फैक्टर किस तरीके से प्रभावित करते हैं। वी कैन डू दिस बाई रीडिंग अबाउट द लाइफ ऑफ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, केरला एंड लद्दाख। हम कैसे पढ़ेंगे, दो स्टेट हैं हमारे, दो जगह हैं हमारी, एक तो केरल स्टेट है, दूसरा लद्दाख हमारी एक यूनियन टेरिटरी है। इनके बारे में स्टडी करेंगे, दोनों जो है, दोनों की लोकेशन बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। लद्दाख आपके नॉर्थ में है जबकि केरल आपके साउथ में है, तो इन यहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं, उनके जो काम है, सब कुछ बिल्कुल वो डिफरेंट है, तो इनके स्टडी करेंगे। ये आपके लद्दाख के बारे में है, आपके पास बुक है तो रीड करना, और पीछे आपको केरला के बारे में दिया है, इफ़ यू हैव द बुक रीड इट। मैंने आपके लिए इसको शॉर्ट में पॉइंट्स बना रखे, मैं वहाँ से आपको समझाती हूँ। सी, जो जियोग्राफिकल फीचर्स होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी रीजन की डाइवर्सिटी को दर्शाने के लिए। तो सबसे पहले हम लेंगे लद्दाख। लद्दाख के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं वो क्विकली देख लेते हैं। लद्दाख इज सिचुएटेड एट नॉर्थ इंडिया। लद्दाख कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्थ इंडिया में लोकेटेड है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर, वहाँ पे बहुत कम एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर मतलब कृषि, बहुत खेती का काम बहुत कम किया जाता है। क्यों? दिस रीज़न डजेंट रिसीव एनी रेन, क्योंकि जो ये रीज़न है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम वाटर की भी बात करते हैं, तो जो वाटर के लिए, जो पानी के लिए लोगों की जो नीड्स होती है, वो ये लोग क्या करते हैं, स्नो को मेल्ट करते हैं, तब इनकी जो वाटर की नीड होती है वो फुलफिल होती है। थर्ड है, इट इज़ कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर, साल के अधिकतर समय में ये किससे कवर्ड होता है, स्नो से ढका हुआ रहता है। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन, बहुत कम पेड़ होते हैं इस रीजन में। पीपल हेयर कीप शीप, और यहाँ रहने वाले लोग क्या पालते हैं, शीप पालते हैं, ठीक है। और शीप आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वुल,
जो शीप होती हैं वो स्पेशल होती हैं यहाँ के लोगों के लिए। शीप को ये लोग ब्रीड करते हैं बिकॉज़ क्योंकि उससे क्या निकलता है, पश्मीना वुल निकलता है, ठीक है। और जो जो वुल होता है वो काफ़ी प्राइज्ड होता है, उसकी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं उसको कॉस्टली होता है वुल, ठीक है। उससे क्या बनाई जाती हैं, शॉल बनाई जाती हैं। तो जो पश्मीना शॉल्स होती हैं कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, और जो पश्मीना शॉल होती है उसका मतलब उसके चार्ज होते हैं, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। नेक्स्ट है द पीपल एट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट। जो लद्दाख में रहने वाले लोग हैं वो किस पे डिपेंड रहते हैं, मीट और मिल्क प्रोडक्ट पे डिपेंड रहते हैं, वो चीज़ें खाते हैं। इट वॉज़ अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पासिस थ्रू विच द कारवेंस ट्रेवल। ये क्या है, लद्दाख जो है एक अच्छा ट्रेड रूट है, रूट मतलब रास्ता है, वो उस जगह में लोकेटेड है जहाँ से व्यापार किया जाता था, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे पासेज हैं जहाँ से क्या होता है, बहुत सारे जो कारवेंस कारवेंस थे होते हैं कि ग्रुप में जो ट्रैवल करते हैं लोग, वो वहाँ से होकर के गुजरते थे। और जो ये इनका कारावेंस थे, दे ट्रेवल थ्रू इट एंड दे कैरिड द टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, ठीक है, रॉ सिल्क एंड कारपेट। मीन्स जो ये कारावेंस थे अपने साथ क्या लेके जाते थे, किस चीज़ का ट्रेड करते थे, ये करते थे आपका टेक्सटाइल, जैसे कपड़ा है और स्पाइसेस हैं, रॉ सिल्क है और कारपेट लेकर के जाते थे, ठीक। बुद्धिज्म रीच द तिब्बत वाया लद्दाख, जो बुद्धिज्म था कहाँ, बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत बाय लद्दाख, लद्दाख के जरिए कहाँ बुद्धिज्म कहाँ पहुँचा था, तिब्बत पहुँचा। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, लद्दाख को क्या कहा जाता है, लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन, यहाँ पे क्या है, जो लद्दाख की पॉपुलेशन है वहाँ पे मैक्सिमम कौन रहते हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा मिलेगी। और जो लद्दाख है, लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच एंड ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोम्स, मतलब जो लद्दाख है वहाँ पे मतलब जो सॉन्ग्स हैं, गाने हैं, पोम्स हैं, वो काफ़ी मतलब गाए जाते हैं। और इसका एक इम्पॉर्टेंट मतलब एग्जाम्पल है, जो लोकल वर्जन है आपका तिब्बतियन नेशनल एपिक है, एक तिब्बतियन नेशनल एपिक है केसर शाह का, ठीक है। उसको यहाँ पे जो मुस्लिम है जो बुद्धिस्ट है वो दोनों ही इसको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उसको रिसाइट करते हैं, गाते हैं उसको, क्लियर। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर थे, इन शॉर्ट मैंने आपको बताया, ये थे लद्दाख के बारे में। अब हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ेंगे केरला के बारे में। केरला इट इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, साउथ में है, वेस्टर्न पार्ट पार्ट कॉर्नर में है। और इट इज़ सराउंडेड बाय द सी, वन साइड उसका क्या है, सी है, अरेबियन सी है, एंड एंड हिल्स ऑन द अदर, और उसके दूसरी साइड क्या है, इसके हिल्स हैं। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स, कार्डोमम आर ग्रो ऑन द हिल्स। बहुत सारी वहाँ पे क्या किए जाते हैं, स्पाइसेस के लिए फेमस है केरला। वहाँ पे जैसे पेपर है, पेपर मतलब काले मिर्च हैं, क्लोव्स हैं, कार्डोमम है, इनको ग्रो किया जाता है, इनको उगाया जाता है। इट मेक एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। और यही जो चीज़ें हैं, जो स्पाइसेस हैं इसके, ये बहुत पहले से ही, जो ब्रिटिशर के टाइम से ही जो था, ये अपने आप ट्रेडर को अपनी साइड अट्रैक्ट करते थे, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ के स्पाइसेस थे वो इनकी वैल्यू यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, तो यहाँ का जो ये एक अट्रैक्टिव प्लेस था ट्रेडर्स के लिए, व्यापारियों के लिए। ज्यूस एंड अरब ट्रेडर्स वर फर्स्ट कम हियर, जो ज्यूस और अरब ट्रेडर थे वो ऐसे ट्रेडर थे जो सबसे पहले यहाँ आए थे। इवन बतूता हु ट्रैवल्ड हेयर, ठीक है, जो ये मोरक्को से यहाँ आया था, रोट ट्रैवलूक, ट्रैवलूक लिखा उसने एक। अब ट्रैवलूक का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी अगर इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्योर हिंदी, दैट इज़ यात्रा वृतांत। मीन्स अगर एक कोई भी पर्सन एक जगह कहीं भी जर्नी करता है, यात्रा पे जाता है, तो अपनी यात्रा के बारे में जो कुछ भी उसने लिखा है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रैवलूक। उसने ट्रैवलूक लिखा, और इन विच ही डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द मुस्लिम, जिसमें उसने मुस्लिम की लाइफ के बारे में डिस्क्राइब किया। बिकॉज ऑफ द वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, क्योंकि केरल में बहुत सारे हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस रहे, इन्फ्लुएंसेस मतलब जो बहुत ज़्यादा मतलब प्रभाव पड़े हैं इतिहास का केरल में। सो दैट द पीपल इन द केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, इसीलिए केरल में आपको कई धर्म को के मानने वाले लोग मिल जाएंगे। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड,
और केरल का क्या है, जो लैंड है, ज़मीन है वहाँ की, बहुत ज़्यादा फर्टाइल, फर्टाइल मतलब उपजाऊ है, और क्लाइमेट सूटेबल है टू ग्रोइंग राइस। और जो वहाँ का क्लाइमेट है वो इतना मतलब अच्छा है जिसमें राइस को कल्टिवेट किया जा सकता है, राइस को ग्रो किया जा सकता है। और मेजोरिटी ऑफ द पीपल हेयर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल। और वहाँ पे मेजोरिटी में बहुत सारे लोग क्या खाते हैं, राइस खाते हैं, फिश और वेजिटेबल्स खाते हैं। ओनम इज द मेन फेस्टिवल ऑफ द स्टेट। जो ओनम है वो केरल के लोगों का मेन फेस्टिवल है, ठीक है। ओनम पे ही वहाँ पे एक वो लोग स्नेक बोट अरेंज मतलब करते हैं, स्नेक बोट रेस होती है, ठीक है, फेस्टिवल के दौरान। और वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि उस स्नेक बोट रेस को देखने के लिए कई एरिया से जो टूरिस्ट होते हैं, वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है टूरिस्ट का, यानी कि कई एरिया से जो टूरिस्ट होते हैं वो उस स्नेक बोट रेस को देखने के लिए केरल पहुँचते हैं। वाई केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन द टर्म ऑफ देयर जियोग्राफिकल फीचर। मैंने आपको समझा दिया कि जो जियोग्राफिकल फीचर के अकॉर्डिंग केरल और लद्दाख दोनों के एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। एक तो नॉर्दर्न साइड में लोकेटेड है, एक सदर्न साइड में लोकेटेड है, और जो एक तो हिली एरियाज में है बिल्कुल, और एक है आपका समुद्र के किनारे लोकेटेड है, ठीक है। फिर भी देखिए, द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैज़ बीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंस। और हिस्ट्री अगर उनके इतिहास देखें तो दोनों ही रीजन पे क्या है, कल्चरल इन्फ्लुएंस पड़ा है, ठीक है, संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। बोथ रीजन वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। दोनों पर ही चाइनीज और अरब ट्रेडर का प्रभाव पड़ा है। इट वॉज द जियोग्राफी ऑफ द केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसिस। ये वहाँ की केरल की जियोग्राफी है, वहाँ का जो भौगोलिक जो एरिया है उसने क्या किया, उसकी वजह से वहाँ पे स्पाइसेस को कल्टीवेशन किया जाता है, यानी कि वहाँ का जो लैंड है, क्लाइमेट है, उसमें स्पाइसेस कल्टीवेट किए जाते हैं। एंड द स्पेशल जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख, और लद्दाख की जो स्पेशल जियोग्राफिकल लोकेशन है, और इट्स वुल दैट ड्रीव ट्रेडर टू दीज रीजन्स। वहाँ पे क्या किया जाता है, शीप को पाला जाता है वुल के लिए, और जो ट्रेडर्स को अपनी इस रीजन की ओर आकर्षित करता है। दस हिस्ट्री एंड जियोग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ द रीजन। इस तरीके से जो वहाँ का एक जगह का जो इतिहास होता है, जियोग्राफी होती है, वो उनकी कल्चरल लाइफ से को रिलेट करता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर इज नॉट मेयरली, नॉट मेयरली मतलब ना केवल, और थिंक ऑफ द पास्ट, ठीक है। जो जो इन प्रभाव होता है हमारा कल्चर, डाइवर्स कल्चर पे, वो ना पास्ट का ही प्रभाव नहीं होता है, जो हमारा प्रेजेंट है वो भी इफेक्ट डालता है। सी आवर प्रेजेंट लाइव्स आर आल्सो आर ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वर्क एंड विद ईच मूव आवर कल्चरल ट्रेडिशन एंड वे ऑफ लाइफ स्लोली बिकेम अ पार्ट ऑफ द न्यू प्लेस वी आर इन। जो हमारा प्रेजेंट है, अगर हम प्रेजेंट में अपनी जो प्रेजेंट की लाइफ में हम सभी मूव करते हैं, ठीक है, मूव करते हैं बिकॉज ऑफ अवर वर्क, काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। एंड विथ ईच मूव जो, और जो हमारे जो हमारी जो अपनी कल्चरल ट्रेडिशन होती हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे जिस भी जगह में हम रह रहे हैं उस जगह का हिस्सा बन जाते हैं। सिमिलरली इन आर ओन नेबरहुड वी लिव क्लोज टू द पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज़। और क्या होता है, जब हम एक नई जगह में रहने लगते हैं तो हमारे जो नेबरहुड है, हमारा जो पास पड़ोस है, हम उस पास पड़ोस में बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं जिनके बीच में हम रहते हैं, और अवर डेली लाइव्स आर अबाउट द वे इन विच वी डू थिंग्स टुगेदर। और जो हमारी हमारे जो डेली लाइव्स होती है वो इस बात पे मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम एक दूसरे पे के साथ, और वो क्या होते हैं कि लाइव्स आर अबाउट द वे विच वी डू थिंग्स टुगेदर, ठीक है। हम अपने जो कई सारे काम होते हैं जो हम मिल करके करते हैं, हम हियर द स्टोरीज, एक दूसरे की कहानियों को सुनते हैं, ईच अदर्स उनकी लाइव्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, अपने नेबर, चाहे वो किसी भी दूसरे किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हैं सपोज, या तो किसी भी दूसरे रिलीजन को बिलोंग करते हैं, तो हम उनकी लाइफ्स के बारे में सुन जानने की कोशिश करते हैं, उनके कस्टम के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, उनके ट्रेडिशन को जानने की कोशिश करते हैं। फिर है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंट है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का क्या मतलब है, जो हमारी जो विविधता है, विविधता होने के बावजूद भी हम में क्या है, यूनिटी है,
ठीक है, तो इंडिया डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकग्नाइज एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। जो इंडिया की डाइवर्सिटी है वो क्या है, उसको क्या समझा गया है कि वो क्या है, इसकी स्ट्रेंथ है, ताकत है। जो इतने डाइवर्स यहाँ पे लोग रहते हैं, डाइवर्स, तो वो क्या है, इसकी एक स्ट्रेंथ है। इसका एग्जाम्पल के जरिए समझा रखा है कि व्हेन द ब्रिटिश रूल इंडिया, जब ब्रिटिश यहाँ पे रूल करते थे तो बहुत सारे जो वुमेन एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल, रिलीजियस एंड रीजनल बैकग्राउंड केम टुगेदर टू अपोज हिम। अपोज करना मतलब विरोध करना, ठीक है। जब ब्रिटिश यहाँ पे रूल करते थे तो बहुत सारे जो वुमेन थे, मैन थे, अलग अलग कल्चरल, अलग अलग कल्चर से उसको बिलोंग करने वाले, रिलीजियन को बिलोंग करने वाले, रीजनल, रीजनल मतलब अलग अलग क्षेत्र को बिलोंग करने वाले, वो सारे लोग इकट्ठे हो करके आगे आए और सबने मिल करके ब्रिटिशर का विरोध किया, अपोज किया। इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड इन इट। जो इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट था उसमें क्या थे, थाउजेंड ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग थे, हजारों लोग थे, जो अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। क्लियर, दे वर्क टुगेदर, उन्होंने टू डिसाइड जॉइंट एक्शन, उन्होंने एक साथ काम किया, एक साथ मिलकर के एक्शन लिए। दे वेंट टू जेल टुगेदर, वो एक साथ मिलकर के जेल गए एंड दे फाउंड अ डिफरेंट वे टू अपोज द ब्रिटिश, ठीक है। और उन्होंने क्या करा, अलग अलग तरीके अपनाए ब्रिटिशर का विरोध करने के लिए। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट, जो ब्रिटिशर क्या सोचते थे कि दे कुड डिवाइड इंडियंस, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, इंडियन को डिवाइड कर सकते हैं। उन्होंने क्या पॉलिसी अडॉप्ट की थी, डिवाइड एंड रूल, ठीक है। दे कैन डिवाइड इंडियन बिकॉज दे वर सो डिफरेंट। उनका ही ब्रिटिशर को लगता था कि इंडिया तो इतनी डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे इतने अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इनमें आपस में फूट डालेंगे और इनके ऊपर रूल करेंगे। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए एंड देन कंटिन्यू टू रूल देम, और उनके ऊपर हम रूल करेंगे। बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। बट द पीपल शोड, लेकिन जो लोग थे उन्होंने क्या दिखा दिया कि चाहे वो कितने भी डिफरेंट क्यों ना हो, कितने भी अलग अलग क्यों ना हो, येट फिर भी बी यूनाइटेड, वो एक हो गए एंड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश, ब्रिटिशर के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने के लिए वो क्या हो गए, एकजुट हो गए। ये एक सॉन्ग है जो जलियांवाला मैसेकर हुआ था उस वक्त लिखा गया था ये, ठीक है। ये है जैसे इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, ठीक है, उन्होंने ये लिखा था। किसको किसको डेडिकेट किया था ये, जो जलियांवाला मैसेकर हुआ था उसके ऊपर लिखा गया था। तो इसको इफ़ यू हैव बुक तो रीड, इसको आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है। दिस सॉन्ग वॉज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर। मैसेकर मतलब क्या था कि लोगों को सामूहिक रूप से मार देना, मारना। जो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था तो उसके ऊपर ये गाना गाया गया था, लिखा गया था, इन अमृतसर, इन विच द ब्रिटिश जनरल ओपेंड फायर ऑन द लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड पीसफुल पीपल, किलिंग मैनी एंड वुंडिंग इवन मोर। क्या किया था, जो ब्रिटिशर थे, जनरल डायर था ना, उन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे लोग जब जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, उन लोगों पर फायर चेक कर दिया था, गोलियां चला दी थी, जबकि वो लोग क्या थे, अनआर्म्ड थे, उनके पास कोई भी हथियार नहीं था, पीसफुल, वो लोग पीसफुली विरोध कर रहे थे, ठीक है। और उसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग उसमें घायल हो गए थे। जो मैन एंड वुमेन, हिंदू सिख एंड मुस्लिम, रिच पुअर, हैड गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। और वहाँ पे लोग जो थे, मैन वुमेन, हिंदू भी थे, सिख्स भी थे, मुस्लिम भी थे, रिच भी थे, पुअर भी थे, तो ये लोग वहाँ पे ब्रिटिशर का प्रोटेस्ट करने के लिए, प्रोटेस्ट करना मतलब विरोध करने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। दिस सॉन्ग वॉज कंपोज एंड संग टू ऑनर, जो ये सॉन्ग बनाया गया था, इसको लिखा गया था, इसको कंपोज किया गया था, किसको ऑनर दिखाने और सम्मान देने के लिए, द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल, जो ये बहादुर लोग उसमें मारे गए थे, इनके प्रति ऑनर, सम्मान दिखाने के लिए इस सॉन्ग को कंपोज किया गया था।
जो सॉन्ग्स एंड सिंबल्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व एज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ अवर कंट्रीज रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। ठीक है, जो ये सॉन्ग्स थे, सिंबल थे, जैसे अभी पहले पेज में हमने पढ़ा जो सॉन्ग बनाया गया था, और ऐसे सिंबल थे, सिंबल जैसे नेशनल फ्लैग वगैरह बनाए थे और हमारा नेशनल सॉन्ग थे, तो ऐसे ये कुछ सॉन्ग्स और सिंबल्स थे जो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान इमर्ज हुए थे, इनको बनाया गया था। और ये क्या थे, कैसे काम करते थे, सर्व एज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर, एक हमें रिमाइंडर की तरह काम करते थे हमारी कंट्री के, जो क्या दिखाता था, एक हमारी जो डाइवर्सिटी है उसके प्रति सम्मान को दर्शाते थे। ठीक है, फिर है इट वॉज यूज एज अ सिंबल, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, इंडियन जो नेशनल फ्लैग है वो एक सिंबल के रूप में यूज किया जाता था, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय द पीपल एवरीवेयर। अगर हर जगह देश में साचार हर जगह जब लोग उनका विरोध करते थे तो उसके ब्रिटिशर के अगेंस्ट एक विरोध के रूप में इस सिंबल नेशनल फ्लैग का यूज किया जाए, एक सिंबल के रूप में इस नेशनल फ्लैग का यूज किया जाता था। ठीक है, सी दिस पैरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देखो आप। इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू सेज, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, ने कहा था, कहा है मतलब, द इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज, इम्पोज मतलब थोपना फ्रॉम द आउटसाइड। उन्होंने अपनी बुक में कहा कि जो इंडिया की यूनिटी है, एकता है, वो कहीं से थोपी नहीं भी नहीं है, फ्रॉम द आउटसाइड थोपी भी नहीं है, बट रैदर, लेकिन इसके अलावा इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड, वो अपने आप में क्या लिए हुए है, मतलब गहराई लिए हुए है, उसके अंदर बहुत गहनता है, गहराई है। द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीव, क्या है यूनिटी में, बहुत ज़्यादा, वाइडेस्ट मतलब व्यापक, टॉलरेंस मतलब सहनशीलता, बिलीफ मतलब विश्वास, कस्टम जो हमारे रिवाज होते हैं। ठीक है, हमारी यूनिटी में क्या है, बहुत ज़्यादा सहनशीलता है, विश्वास के प्रति सहनशीलता है, हमारे रिवाज के प्रति सहनशीलता है। ठीक है, एंड एवरी वैरायटी, और जितनी भी जो वैरायटी है, विविधता है, उन सबको यहाँ पे एक्नॉलेज्ड किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। ठीक है, एंड इवन एनकरेज, और यहाँ तक कि उसको एनकरेज, एनकरेज करना मतलब प्रोत्साहित करना, और उसको प्रोत्साहित भी किया जाता है। समझ आए क्या है कि ये जो जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, जो हमारी यूनिटी है वो यूनिटी किसी की थोपी भी नहीं है बाहर से, वो अपने आप में गहराई लिए हुए है, गहन। ठीक है, वो गहराई क्या है, द वाइडेस्ट टॉलरेंस, इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, सहनशीलता है, किसकी, बिलीफ, विश्वास की, रिवाजों की। ठीक है, और यहाँ तक कि जितनी भी जो वेराइटीज होती हैं वो क्या की जाती हैं, उनको एक्नॉलेज किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, जो डाइवर्सिटी होती है, वेराइटी होती है, उसको स्वीकार किया जाता है और उसको इनकरेज किया जाता है। ठीक है, सी इट वॉज नेहरू हु कॉइन्ड द फ्रेज, उन्होंने क्या कहा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री, उन्होंने जो हमारी कंट्री इंडिया है उसको डिस्क्राइब करते हुए कहा, क्या उन्होंने कहा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब इंडिया क्या है, विविधता में एकता है। क्लियर, फिर है इंडियास का जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इंडियास नेशनल एंथम। ठीक है, नेशनल एंथम मतलब जो राष्ट्रीय गान है उसको रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया है। क्लियर, और ये आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और कल मैं आपको इसके कीवर्ड्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह, या एक्स्ट्रा क्वेश्चन कीवर्ड्स करवा दूँगी। और मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, कोलाज बनाना था आपको। आई होप आप लोगों ने अपनी पुरानी बुक से, या कहीं से भी आपने पुरानी बुक्स वगैरह होंगी, अगर वहाँ से कलेक्ट कर लिया होगा तो अच्छी बात है। अलग अलग फेस्टिवल के पिक्चर्स मैंने कलेक्ट करने के लिए कहा था, उनको एक कोलाज बना लेना, एक इकट्ठे कोलाज, आई थिंक आप समझ रहे होंगे, उनको इकट्ठे पेस्ट कर लेना एक साथ, और उनको पेस्ट अपनी इस चैप्टर, जैसे कल कीवर्ड आपको करवाऊंगी उससे पहले उनको पेस्ट कर लेना, देन कीवर्ड्स आप करोगे, फिर क्वेश्चन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन करोगे, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे। क्लियर, अगर चैप्टर को, अगर आपके पास बुक है तो प्लीज़ चैप्टर रीड करना, और अगर कोई भी आपकी क्वेरीज होंगी या कोई भी आपके डाउट हैं
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं और मैं मतलब कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स के आंसर दे सकूँ। और एक बच्चे ने शायद मुझे किसी बुक्स के बारे में पूछा था, तो ये तो आपकी सिविक्स की बुक है। किसी एक बच्चे ने मुझे बुक्स के बारे में कुछ शो करने के लिए कमेंट किया था। सिविक्स की बुक है ये आपकी ज्योग्राफी की बुक है, ठीक है। और ये कंडीशन इनकी थोड़ा ख़राब हो रही है, बिकॉज़ आई हैव टू अरेंज ऑल दीज बुक्स एंड दिस वन इज़ हिस्ट्री, ठीक है। तीन बुक हैं हिस्ट्री का, मैंने दो चैप्टर आपको करा दिए हैं आपके। आवर पास्ट वर्ल्ड, ये हिस्ट्री की बुक है, ये ज्योग्राफी की बुक है और ये सिविक्स की बुक है। क्लियर? ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। रीड रीड द चैप्टर। नेक्स्ट वी विल डू द एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।